सबसे पहले जहाँ पर आपको पूजा करनी है अक्षय तृतीय की, चौक पूरना है, उस जगह को पूरा अच्छे से साफ कर लीजिए। ये मैं डेमो वीडियो बना रही हूँ तो आपको थोड़ा डार्क प्लेस पे दिखा रही हूँ। आप फर्श पे कर सकते हैं, अपने मंदिर के सामने कर सकते हैं, जहाँ पर भी खुली जगह है वहाँ पर कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हमें सूखा आटा लेना है फ्रेंड्स, और सूखे आटे से हम चौक पूर लेंगे। चौक पूरना किसी भी पूजा में बहुत ही शुभ होता है, और इस चौक को हम पूजा सुबह सुबह ही नहा धोकर पूज लें, और उसके बाद शाम तक इसको बना रहने दें। एकदम से हमें चौक पूरने के बाद ऐसी जगह पर बनाना है जिस पे जहाँ किसी के भी पाँव ना आए, और आसानी से ये एक दो घंटे तक हमारा लगा रहे। अगर शाम तक चौक पूरा रहे तो और भी अच्छा है। तो इस तरह से आपको चौक पूर लाना है। जैसे भी आपको चौक पूरना आता है, कोई परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप कैसा भी कर सकते हो। बीच में हमने सात्विक बनाना है, गणेश जी का आह्वान करना है, माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करना है। अक्षय तृतीय तो माँ लक्ष्मी जी का दिन होता है, तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए चौक मित्रों आप ज़रूर पूरें। चौक पूरना बहुत ही शुभ होता है और माँ लक्ष्मी जी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। ये देखिए हमने चौक पूर लिया है। मैं आपको छोटा सा चौक ही बनाना बता रही हूँ, ज़्यादा बड़ा बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही हमने बनाना है। देखिए जहाँ से आपका थोड़ा सा हाथ लग जाए उसको सही कर लीजिए। ये मैंने बिल्कुल छोटा सा बनाया है, चार कोने बनाए हैं। यहाँ पर हमारे चार कलश आएंगे और बीच में हमारा जो दान करना है बड़ा कलश आएगा। उसके बाद हमने अक्षत लेने हैं और हर जगह पर थोड़े थोड़े से अक्षत रखने हैं। अक्षत रखना बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम अपने कलश स्थापित करेंगे और हमने जो सात्विक बनाया है उसके बीच में भी थोड़े अक्षर डाल देंगे और चारों कोनों पर हम अक्षर डाल देंगे। उसके बाद एक बड़ा कलश लेना है। ये देखिए बड़े कलश के कंठ पर मैंने मौली बांध ली है और इसको पूरा जल से भर लिया है। ये कलश हमें दान करना है। और ये देखिए हमने छोटे छोटे चार कलश ले लिए हैं और इन चारों कलश के भी हम कंठ पर मौली बांध लेंगे और इनको भी पूरा जल से हमें भर लेना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इनके कंठ पर हम मौली बांध लेते हैं। मौली तो हर एक कलश के ऊपर बांधना है। अगर आपके पास कलश नहीं है तो आप गिलास भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि चार कलश ही आपको लें। आप चाहें तो मिट्टी के कसोरे आते हैं छोटे छोटे से, वो भी ले सकते हैं। छोटी छोटी मटकियाँ आती हैं, उन्हें आप बाद में फिर पक्षियों के जल के लिए रख सकते हैं, जो छत पर पक्षी वगैरह आते हैं जल पीने के लिए। तो सभी कलश के हम कंठ पर मौली बांध लेंगे। देखिए मैंने चारों कलश के कंठ पर मौली बांध ली है और उसके बाद हम इन कलश को भी जल से भर लेंगे। इनको भी पूरा भरना है हमें। ये हमारे चारों महीने जो बरसात के होते हैं उनके रूप में हम कलश भरते हैं। तो इन सारे कलश को मैं पानी से भर चारों कोनों पर विराजमान कर लेंगे। ये देखिए हमने अपने चारों कलश विराजमान कर लिए हैं। उसके बाद हम ऊपर हम सात्विक बना लेंगे फ्रेंड्स। और कलश भरने का भी यही मतलब होता है कि गर्मी बहुत होती है, शीतलता प्रदान करने के लिए हम कलश भरते हैं ताकि गर्मी से राहत मिल सके और जो जीव जंतु हैं उन्हें पानी मिल सके। और सभी कलश को हम तिलक कर लेंगे। चाहे तो आप सभी कलश पर सात्विक भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सभी कलश को तिलक कर दिया है। उसके बाद हम अपना दीपक भी रख लेंगे यहाँ पर। अगर चाहें तो गणेश लक्ष्मी जी भी रख सकते हैं, तो गणेश लक्ष्मी जी के नीचे भी मैं थोड़े से चावल रख दूंगी। आप किसी भी दिशा में रख दीजिए, मैं इस साइड रख रही हूँ ताकि स्क्रीन में अच्छे से आ सके। और अपने भगवान जी को भी चंदन से हम तिलक कर देंगे। उसके बाद हम माता लक्ष्मी को, हमने चंदन नहीं लगाना, माता लक्ष्मी को हमने रोली से तिलक करना है। और गणेश जी को भी रोली और चंदन दोनों से तिलक कर देंगे। उसके बाद हम कोई भी फूल ले लेंगे फ्रेंड्स। फूल हमने हर जगह पर चढ़ाने हैं, हर कलश को पूजन करना है, हर कलश के सामने हमने फूल अर्पित करने हैं। कोई भी फूल, ये हमारे घर पर ही लगे हुए थे तो यही फूल मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बाज़ार से भी ला सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो फूल अर्पित करेंगे हम।
हर जगह पर, और गणेश जी को भी अर्पित करेंगे हम फूल, माता लक्ष्मी जी को भी अर्पित करेंगे। इस तरह से हर जगह हमने फूल चढ़ा देने हैं। उसके बाद हमने फ्रूट लेना है, कोई भी फ्रूट आप ले लीजिए। यहाँ पर मैंने खीरा लिया है, ये बड़े कलश पर जो हमने दान करने हैं उन्हीं के ऊपर रख देंगे, और दो मैंने आड़ू लिए हैं, और ये आड़ू मैं हर एक कलश के सामने रख दूंगी। ये प्रसाद छोटे जो हमने कलश लिए हैं इनका फ्रूट हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, और जो हमने बड़े कलश लिया है इसको हमने दान करना है। जो भी हम इसके ऊपर सामान रखेंगे वो हमें दान करना होता है। और ये फ्रेंड्स ये देखिए, ये काले चने होते हैं, काले चने हमें हर एक छोटे कलश में दो दो दाने डालने हैं। जिस कलश के ज़्यादा चने फूलते हैं इसका मतलब उस महीने में ज़्यादा बरसात होगी। ये चारों कलश बरसात के चारों महीनों के नाम के होते हैं, आषाढ़, सावन, भादो, कुमार। और जिस भी कलश के चने ज़्यादा फूलते हैं तो इसका अर्थ होता है कि उस महीने में ज़्यादा बारिश हो। चाहे तो आप इसी समय अपनी अक्षय तृतीया की कथा सुन लीजिए यहीं पर बैठकर, और पूजा कर लीजिए। कलश को जो हमें दान करना है, ब्राह्मण जी को देना है, उस कलश के ऊपर कुछ दक्षिणा रख लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, और अपनी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी अपनी कृपा हम पर बनाए रखें, गणेश जी महाराज हमारी पूजा को सफल करें, हमने जो भी पूजा की है उसका फल हमें प्रदान करें, अगर हमसे कोई गलती होगी है तो उसके लिए क्षमा कर प्रार्थना करें। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी करते हुए अक्षय तृतीया की कथा सुनें। हाथ में कुछ दाने चने के ले लीजिए 4-5, और यहाँ पर बैठकर आप कथा सुन लीजिए। ये बीच वाला कलश हमें ब्राह्मण को दान करना है, और जो छोटे कलश हैं इनका पानी या तो आप पक्षियों को पीने वाले बर्तन में रख दीजिए या किसी भी पौधे में डाल दीजिए। और जो सारा चौक पूरा है हमने ये शाम के समय हमें उठाना है, और ये आटा हम पक्षियों को डाल सकते हैं, और फ्रूट प्रसाद रूप में पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिए, और बड़ा कलश हमें मंदिर में दान करके आना है। तो मित्रों, इस तरह से अक्षय तृतीया की कथा सुननी है, पूजा करनी है। अगर आपको भी अक्षय तृतीया की ये पूजा विधि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। जय लक्ष्मी माता, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें।